माँ की बड़ी अच्छा सामने अरे नीचे गाड़ी से देखते हुए दोस्तों को तो देखा होगा भाई मदर डेरी का आइसक्रीम मिला होगा तो तू बाड़ी चले लिखा ना हाँ ये देखो ना वो तो पढ़े थे तीस हाँ ना बोलो तो मैं बोले सिलाम की बोल रहा वो दूध खाबे हाँ सब एक ही संजय सुबह सुबह आ गए और आने के बाद बोला कि चलो कैंटीन करके आते हैं। आज कैंटीन खुला भी है क्योंकि कैंटीन का सामान ख़त्म भी हो गया और घर भी जाना है, तो आगे और भी काम आ जाएगा। हम ज़्यादा दिन तो दिल्ली में नहीं रुकेंगे, इसीलिए अभी आ गए हम कैंटीन में। ये दिल्ली का सबसे बड़ा कैंटीन है, तो ये एयरफोर्स कैंटीन है। यहाँ पे सबका है, मतलब डिफेंस पर्सन सबको अलाउ है। तो हम इसी कैंटीन में अभी आए हैं क्योंकि सामान लेना है, और जिस कैंटीन में सब सामान मिलते हैं ना उसी कैंटीन में जाके मज़ा आता है। तो एक ही कैंटीन में सब कुछ मिल जाते हैं, नहीं तो एक इधर आधा मिले दूसरे आधा मिले तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी तो हमने सामान ले लिया और लेते लेते काफ़ी सारा हो गया, दो ट्रॉली फुल हो गया हमारा, क्योंकि ऐसी जगह ही है ये। यहाँ पे सब कुछ मिलता है और यहाँ पे रेट काफ़ी कम है, मतलब जो ओरिजिनल रेट है उससे बहुत कम रेंज में मिलता है। तो सब सामान भर लिए हमने, अभी बिल कटा रहा है संजय। संजय बिल काट लिया, बिल में भी गड़बड़ी हो गई इसीलिए धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। तो अभी सारा सामान कैसे घर लेके जाएंगे वही टेंशन है। दो ट्रॉली फुल हो गए और बाइक पे इतना सारा सामान पता नहीं कैसे जाएगा, जाना है और इसलिए सामान ज़्यादा हो गया। घर के लिए सामान ले लिया, थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं घर जाके दिखाती हूँ क्या क्या लिया है, तो चलो अभी कैसे घर जाती हूँ वो नहीं पता, फिर भी जाना तो है, दो बार या तीन बार में जाना है क्योंकि अंदर तो कैब वगैरह भी नहीं मिलेगा कि ऑटो ई रिक्शा कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें ही लेके जाना पड़ेगा धीरे धीरे करके। अगर कैब आएगा तो भी बहुत टाइम लगेगा, और यहाँ से इतना ज़्यादा दूर का नहीं है लेकिन फिर भी चल जाएंगे। आप लोगों को तो मैंने बोला था कि कैंटीन से मैं घर जा रही हूँ और कैसे हालत में जाऊँगा वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन हालत बहुत बुरे थे कि मैं दिखाई नहीं पाया, इतना सारा सामान लेके दोबारा कैब बुक करके आना पड़ा, तो इसीलिए मैंने कुछ वीडियो तब नहीं बना पाई। तो चलो अभी मैं दिखा देती हूँ क्या क्या शॉपिंग मैंने किया, ठीक है, कैंटीन से। तो सब कुछ तो गोदी में लेके बैठी हूँ, ये तो देख रहे हो डेयरी मिल्क है। तो एक एक करके मैं पहले से दिखाना शुरू करती हूँ, पहले मीठा से शुरू करें, है ना, कोई भी अच्छा चीज़ मीठा से शुरू करना चाहिए। तो उसके लिए है, फर्स्ट में आया मिष्टी का पसंदीदा किंडर जॉय, उसको बहुत पसंद है, बहुत। दो किंडर जॉय है दोनों के लिए, मिष्टी के लिए अकेले नहीं है, क्योंकि मिष्टी कैमरे के उस साइड से बहुत ज्यादा खुश हो रहा है कि दोनों ही मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं है तो बोलेगा ना प्रूफ है, तुमने बोला दो ही मेरे लिए, तो ऐसे नहीं बता पाऊंगा। और फाइव स्टार है, ये सब चीज़ का रेट मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए क्योंकि बिल है बहुत सारे, एक दो बिल नहीं है, एक दो बिल होने से फिर भी मैं बता पाती, बहुत सामान है, कोशिश करूंगा कैडबरी का और इसका जितना हो सके मैं बताऊंगा बिल, क्योंकि हमारा बहुत कम रेंज में मिलता है। ये है फाइव स्टार, ये है फ्रूट नूट, हाँ देखो फाइव है, ठीक है, मेरा सबसे फेवरेट कैडबरी है ये, मुझे बहुत पसंद है ये कैडबरी, और कुछ नहीं डेयरी मिल्क है यही टॉफी मुझे पसंद है, मेरा पति बहुत ज्यादा खिलाता है, इसमें ज्यादातर मेरा है, मैं खाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इतना मतलब मुश्किल से मैं लाई हूँ। तो चलो पहले बिल हाथ में आ गया, हाँ अभी बिल में से जो है वो मैं पहले एक एक करके दिखा देती हूँ, और इसके लिए कौन कौन सा सामान है कोशिश करूंगा बताने के लिए। ये तो बच्चों के लिए है टॉफी, VLCC का डायमंड फेशियल किट है, ये है VLCC का डायमंड फेशियल किट है। VLCC का फेशियल किट मैंने इससे पहले भी यूज किया लेकिन डायमंड वाला कभी नहीं किया, फर्स्ट बार करो। इसका रेट है 350 रुपए है, और यहाँ पे लिया है 242 रुपए, मतलब 100 रुपए से भी ज्यादा कम है, ऐसा ही हो रहा है ना, मैं मैथ में बहुत कमजोर हूँ, अगर भूल भूल वाली मतलब बोलूंगा तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एक ये है, उसके बाद आ रहा है
फेस क्रीम निविया है कहाँ पर, बहुत सारा है, बोल नहीं होना, धीरे धीरे ढूंढ के दिखाना पड़ेगा। निविया सॉफ्ट, निविया का रेट है, इसीलिए मैं सारा रेट बोलने जाऊंगा तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। 185 का निविया है और यहाँ पे लिया है 89 रुपीस, तो पता चल रहा है कितना कम ज्यादा है। उसके बाद जो आ रहा है मैं जॉनसन बेबी क्रीम, जॉनसन बेबी क्रीम, जॉनसन बेबी क्रीम का प्रिंटेड रेट है, सबको पता है प्रिंटेड रेट, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, आप भी कमजोर हो गए शायद, इसकी पैकेट ऊपर रहता है क्या, नहीं पता है। हाँ ये जॉनसन बेबी 100 ग्राम का है, कितना का है आप लोगों को तो पता है, मैं इसका कैंटीन रेट बता देती हूँ। कैंटीन रेट है वन जॉनसन बेबी क्रीम, हाँ 105 रुपीज। उसके बाद है कौन कौन सा है, इतना सारा है ना, मैं भी पेस्ट कोलगेट चिकचैक इतना मैं बता नहीं पाऊंगा, तो एक एक करके। इसमें रेट है 99 रुपीज का है और मैंने दो लिया, दोनों का रेट आया कितना, 160 दोनों का रेट है, तो कितना कम ज्यादा एडजस्ट कर लेना, मैं पहले ही बता दिया। और बस अभी ज्यादा बहुत लंबा है, एक एक करके पढ़ते जाऊंगा तो मेरा हालत खराब हो जाएगा। आधा आधा रेट लगता है हर चीज का, तो मैं पहले दिखा देती हूँ। हमने लिया भीम बार साबुन 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भीम बार साबुन है, क्योंकि हम घर जाने वाले हैं, मैंने पहले बताया, तो सासू माँ ने बोला वो बर्तन धोने वाला भीम बार साबुन ज्यादा करके लेके आना, क्योंकि ज्यादातर जाना तो नहीं होता है, तो ज्यादा करके लेके। डेटोल साबुन 4 है, ये घर के लिए है, सब मम्मी ने बोला तो मम्मी के लिए लेके जा रही। लाइफ बॉय 2 है, मेरे पापा के लिए, संजय ने लिया है 2 लाइफ बॉय मेरे पापा के लिए। और कौन सा है, मेरे मम्मी का फेवरेट साबुन, वो भी लिया जमात ने, उसको पता है मेरे, हाँ लक्स इंटरनेशनल, ये 4 लिया मम्मी के लिए, मेरे मम्मी के लिए, और 2 लाइफ बॉय लिया पापा के लिए। तो और प्यार्स लिया हमने 4, 5 प्यार्स लिया, 2 लाइफ बॉय पापा जी ससुर जी के लिए लिया। ऑल आउट का रिफिल ऑयल, जो आता है ना ऑल आउट का ऑयल, तो ऑल आउट का ऑयल लिया हमने 6। घर में वेस्ट बंगाल में बहुत मच्छर है, तो सासू माँ ने बोला ये सब ज्यादा ज्यादा लाना, तो ज्यादा ज्यादा ला रहे हैं। एक टेप लाया, ये बहुत काम पे आता है, मेरे बेटे को ज्यादा आता है, मेरा दरवाजा का जो जाली है ना, जाली में हार जाली में लगा देता है, क्योंकि छिपकली अंदर ना घुसे, मैं पागल हो जाती हूँ, तो इसलिए ये बड़ा करके लाया, लो हर दरवाजा डालो। एक साबुन का केस है, ये संजय को उधर लेके जाना है इसलिए ले लिया, मिला तो ले लिया। 2 स्कॉच ब्राइट है, मैं तो सब कुछ दिखा रही हूँ। हाँ किसको चाहिए ले लो, 10 है यहाँ पे, ठीक है। मैं बोल रही थी कैंटीन से आते टाइम जगह नहीं हो रहा है, चलो मैं गले में टांग के जाऊँ, और बच्चे बोलेगा दे दो तो 10 चिप्स है यहाँ पे। एक डाइनिंग टेबल का मैट है, ये भी काफी कम रेंज में मिला, मतलब रेंज में 225 का है, 120 का आया है शायद, 120 या 10 का आया, इसमें 6 है। बाकी दिखाती हूँ धीरे धीरे। ये बोरोशील का क्या है पता है ना, चाय बनाने वाला मग, ठीक है, मैं जो भी आता है, जो भी मुझे पता है मैं वही बता देती हूँ। ये लिया है संजय ने मेरी बहन के लिए, मोह के लिए, उसने राखी भेजा था, तो राखी का गिफ्ट तो नहीं दिया, हर साल तो गिफ्ट भेज, मतलब जब भी जाते हैं दे देते हैं, तो इस साल बोला ये ले लेती हूँ बोरोशील का, ये भी बहुत अच्छा चीज है, मेरे पास है, इसी में सब कुछ, मतलब चाय पत्ती दूध जो भी जैसे चाय बनाना है सब कुछ डाल के ना ये गैस के ऊपर डालो, ये मतलब, हाँ यही तो बताना है इसको, ये रबड़ है निकल जाएगा, और इसको गैस के ऊपर बना सकते हो, ये फटता भी नहीं है टूटता भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दिन से यूज कर रही हूँ, बहुत कंफर्टेबल चीज है। एक ये हो गया, मेरे पापा के लिए लिया ओट्स, पापा को शुगर है, कुछ भी ऐसे जो ओट्स होता है नॉर्मल ओट्स बना के दे दो ना, छूता भी नहीं है खाता भी नहीं है, और हार्ट का भी प्रॉब्लम है, तो ओट्स खाना चाहिए लेकिन खाता नहीं है, मेरे पापा पता नहीं है सब बिल्कुल पसंद नहीं करते। संजय ने बोला नहीं ये ओट्स ले लो और जाके बना देना, पापा के लिए ओट्स लिया है, और वो देना एक हॉर्लिक्स लाइट, शुगर फ्री
हॉर्लिक्स एक ये लिया पापा के लिए मैंने, मैंने नहीं दामा, मेरा कोई पैसा है ही नहीं, मैं क्यों लूं। दो डार्क फैंटेसी, ये सब बच्चों का चीज है। और हल्दीराम का खट्टा मीठा एक नमकीन, ट्रेन में भी काम आएगा, ऑल इन वन। ये घर जाते जाते कितना बचेगा नहीं पता, अभी से खाना शुरू करेगा, कितना बचेगा ट्रेन में खाएंगे। बिंगो का टेरे मेरे नहीं है, क्रंच मंच टेरे मेरे ज्यादा पसंद है मुझे। और ये ना आप लोगों ने किसी ने खाया है नहीं मुझे नहीं पता, ये एलमोंड्स, किशमिश का जो ब्लैक वैराइटीज होता है, हनी सब कुछ, ओट्स का सब कुछ मिला के ये रहता है, क्रंची है। तो इसको दूध के अंदर डालो और खाओ, बहुत टेस्टी है, एलमोंड वगैरह सब रहता है और टेस्टी भी होता है। देखो मैं अभी डब्बा नहीं खोल रही हूँ, ये देखो मैं सब खोल के क्या है, खोलने से कल से खाना पड़ेगा तो इसलिए खोला नहीं। एक नैपथोली का पैकेट है, 1 kg का नैपथोली है, घर में सारा अलमारी में कपड़ा है लेकिन नैपथोली नहीं है, तो मम्मी ने बोला लेके आना तो लेके आ गई। और हाँ, ये फिलिप्स का टोस्टर है, मेरी बहन ने मंगाया, बोला कि जीजू मेरे लिए एक टोस्टर ला देना, इसलिए टोस्टर उसके लिए लिया फिलिप्स का। ये टोस्टर का रेट मैं बताती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, ये टोस्टर लेते टाइम मैंने रेट देखा था, अच्छा 1695 का है, मतलब 1695 का है, हाँ हिंदी नहीं बोल पाऊंगा। इसका लिया है 900 का, 900 कुछ है लेकिन 1000 के नीचे ही है, तो सोच लो कितना कम ज्यादा है। ये बाट स्टिक है, चौबन प्रेस ससुर के लिए, पापा भी खाते हैं चौबन प्रेस। पेस्ट लिया मम्मी के लिए 4, 2 मैक चिकचक ये लिया है, 2 ये लिया मम्मी के लिए, 2 हिमालय का फेस वॉश। तो ये सब घर का चीज है, हाँ ये सब घर में जाएगा। पैरासूट ऑयल है, मेरे ससुर जी पैरासूट ऑयल यूज करते हैं, मेरे सासू माँ एलमंड डब्स यूज करते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग ही ले लिया जो जो यूज करते हैं। मिष्टी के लिए जॉनसन का एक पाउडर, घर के लिए एक पॉन्स पाउडर, मेरे सासू माँ का पसंदीदा बिस्कुट है ये ब्रिटानिया का न्यूट्री चॉइस, हम भी खाते हैं, डाइजेस्टिव बिस्कुट है, अच्छा भी है, 10 बिस्किट है। और ये 2 पीतम्बड़ी है, किसको पता है पीतम्बड़ी, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता है पूजा का बर्तन बहुत अच्छे से साफ होता है, लोहे का चीज और पूजा का बर्तन मतलब चकाचक हो जाता है, इमली की जरूरत नहीं पड़ता, तो मैंने ये लिया। एक हींग लिया मम्मी के लिए सब, और हमारे घर में भी जो ससुराल में जो बेसिन है ना उसको मम्मी घिस घिस के साफ करते, वो खराब हो गया, तो एक मेरे क्वार्टर के लिए रखा, एक मम्मी के लिए लेके जाऊंगा। एक परफ्यूम लिया, परफ्यूम का ऐसा है स्मेल, अभी मेरा खुद का है मैं स्प्रे कर सकती हूँ, हाँ वहाँ पे कोशिश किया था स्प्रे करके मैं कैसा है सुखू, लेकिन क्या है इसका ना ऐसे लॉक है, दबाने से भी नहीं हो रहा था, संजय बोले तुम जोर से दबाओ तो लॉक खुल जाएगा, फिर डांटेगा और हर से, हाँ सही में बहुत अच्छा खुशबू है, दुर्गा पूजा पूजा खुशबू बहुत अच्छा है। मैं फर्स्ट बार यूज कर रही हूँ ये वाला, वुमेन्स के लिए है, चलो अच्छा है। मैं तो परफ्यूम लेते टाइम पहले पहले मेल्स वुमेन्स सोचती भी नहीं थी, ले लेती थी, अभी तो अच्छे से देख के लेती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा खुशबू है। दुर्गा पूजा में ये मैं लगा के अगर जाऊंगा ना आसपास से तो सब आ जाएगा। ये 2 VLCC का प्रोडक्ट लिया, एक तो दिखा पहले फेशियल किट और ये है हानी मॉइस्चराइजर, मेरे स्किन से अभी हानी निकल गया देख लेना। इसका रेट है 260 और लिया है 110, ठीक है मुझे, मैंने पहले यूज नहीं किया, फर्स्ट बार यूज कर रही हूँ, नहीं पता क्या होता। और ये है रोज वाटर, डाबर का कर करके आई हूँ, अभी संजय ने बोला ये ले लो तो चलो मैंने ले लिया। डाबर का तो 35 का प्रिंटेड रेट है और CSD में आता है 21 का, मुझे शायद याद है, अगर रेट बढ़ गया तो मुझे नहीं पता। और इसका है 170 का है, लिया है 70 rupees का, तो ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा तो अच्छा है, दिखने में कितना सुंदर है ना। तो बहुत सामान है, क्या क्या दिखाओ मुझे अभी और भी ज़्यादा हो जाएगा। ये वो बिस्किट है बच्चों के लिए, और मेरे लड्डू के लिए लड्डू है, टॉफी, ग्लूकोन डी है, मेरे लिए ग्रीन टी है, मुझे पतला होना है इसलिए ग्रीन टी चाहिए, और पीना भी है, खाना नहीं खाना। हैंड वॉश है, लोटो चोको पाई है, सोनपापड़ी है, सर्दी आ रहा है पैर फटता है जिन लोगों को, उन लोगों के लिए इजगार्ड है।
पॉइंट्स है ये, ट्रेन में फ्लाइट में कहीं पे भी जाओ बहुत काम में आता है, मुझे तो हर चीज में ये पसंद है। और है दो हार्ट पिक, और ये है बादाम ऑयल, बादाम का जो ऑयल आता है ना, मैं ये ऐसे यूज करती हूँ, एक वीडियो में मैं दिखाऊंगा पक्का। इसका फायदा भी बहुत है, बहुत। इसका रेट है 220 का, लिया है 110 का, लेकिन बहुत अच्छा फायदेमंद चीज है, यूज करना। कैसे यूज करना है मैं बता दूंगी। और एवरीडे है चाय पीने के लिए, पंच वाइट है, कितना भारी है, 4 kg रिन है देखा, और 3 kg सार्ट पैक सेल है, 4, 5, 6, 7 किलो सार्ट भर जाएगा सब मम्मी का। दो मैगी, मैगी छोटा पैकेट था तो नहीं लिया, दो बड़ा था तो दो ही लिया। एक लीची जूस, कोई फायदा नहीं है इसमें, मतलब सेहत के लिए कोई ज्यादा कुछ ये नहीं है, जैसे अनार वनर का होता है, लेकिन पसंद है तो क्या है। एक मिल्क मेट मेरी बेटी के लिए, कुछ नहीं है तो रोटी के साथ मिल्क मेट दे दो, वो ही खा लेंगे, तो इसीलिए मुझे दूर पड़ रहा है तो ऑनिक ने मुझे थोड़ा बहुत आगे कर दिया, कम्फर्ट है कपड़ा में डालने के लिए, मैं तो यूज करती हूँ। ये है बोनविटा, और ये है दो हॉर्लिक्स घर के लिए, सॉस बार बार गिर रहा है, मुझे लग रहा है ये वेस्ट बंगाल तक नहीं पहुंचेगा। और बहुत कुछ है, ये देखो ठीक है, ये देखो क्या क्या देखो। हाँ, और एक चीज छूट गया, इसमें बहुत सारा चीज शायद छूट गया है, अंदर अंदर चले गए, मैं दिखा नहीं पाई, तो एक एक करके दिखाने में बहुत टाइम लग रहा है। ये फ्रूटी है, खोल दिया, इसमें लिखा ही है 30 फुट्टी है, फुट्टी का पाउच होता है ना, फुट्टी का पाउच है 200 ml का फुट्टी है 30 इसका कितना रेट है अगर बता पाती तो सही था, नहीं मुझे भी एक एक करके देख के बताने से बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने तो दिखा दिया हमारा CSDB में क्या क्या मिलता है, मिलता तो है बहुत कुछ, उधर अंदर जाके मैं ज्यादा कुछ वीडियो कर नहीं पाया, तो इसीलिए सब कुछ दिखा भी नहीं पाया। सबको तो पता है हर जगह में हर मतलब हर चीज का रूल रेगुलेशन होता है, तो सब कुछ मानना चाहिए, सब कुछ मतलब मान के चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वहाँ पे सारी चीज तो अलाउ होता नहीं है, तो मैं क्यों तोड़ू उनका रूल्स, तो इसीलिए मेरे से जितना हुआ मैं दिखाया। और मेरा कैसा लगा CSDB का शॉपिंग पक्का बताना, और इसमें से कौन सा आप लोगों को लगता है कि सस्ता है वो भी बताना, और किसका रेट पूछना है वो भी पक्का बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसका रेट कितना है, क्योंकि बिल है मेरे पास, अभी एक एक करके बताने जाऊंगा तो बोर हो जाओगे आप लोग। तो इसीलिए अगर जिसको जानना है कि दी इसका रेट कितना है तो मुझे पक्का कमेंट करना, मैं पक्का बता दूंगी, ठीक है। आज के लिए बहुत बकबक कर लिया, ज्यादा बकबक मैं कर लेती हूँ, करती भी नहीं हूँ, है ना, आप लोगों को तो पता है मैं बकबक करती नहीं हूँ, बहुत कम बकती हूँ, तो आज मैंने ज्यादा ही कर लिया। तो बाय, गुड नाइट, टाटा, आज के लिए इतना है, दोबारा मिलेंगे और एक नए ब्लॉग में। मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और एक कमेंट करना भी भूलना नहीं। टाटा, गुड नाइट।